रोहतांग पांगी समेत चोटियों में ताजा हिमपात, कोकसर में सैलानियों ने लिया बर्फबारी का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग और पांगी सहित कई चोटियों में शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई। शनिवार को भी प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 दिसंबर से मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। राजधानी शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। किलाड़ मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण पांगी उपमंडल के अधिकांश मार्गों पर शुक्रवार को वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 3 सप्ताह के बाद मौसम ने करवट बदली। शुक्रवार सुबह रोहतांग दर्रा सहित कोकसर में हल्की बर्फबारी हुई। बारालाचा, कुंजुम दर्रा, गेपन पीक, शिगरी ग्लेशियर, शिंकुला दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। शुक्रवार सुबह के समय कुल्लू में हल्के बादल छाए रहे। 11 बजे के बाद धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। शुक्रवार सुबह मनाली घूमने आए कई सैलानी अटल टनल रोहतांग होकर सिस्सू व कोकसर तक बर्फ देखने गए। शिमला में CLP की बैठक, CM चयन के लिए हर विधायक से पूछे दो दो नाम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची जारी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली, संजय दत्त, तजेंद्र पाल बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए हर विधायक से दो दो नाम पूछे गए। उनकी प्राथमिकता वाले उम्मीदवार की मेरिट और डीमेरिट भी पूछी गई। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि CLP बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक से पहले प्रतिभा समर्थकों ने किया हंगामा, बघेल के सामने की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के नारे शुक्रवार को राजधानी शिमला में खूब गूंजे। चौड़ा मैदान में चुनाव पर्यवेक्षकों की गाड़ियों के आगे खड़े होकर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन और हॉली लॉज में भी सैकड़ों समर्थकों ने नारेबाजी कर प्रतिभा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। शुक्रवार दोपहर बाद चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला चौड़ा मैदान स्थित होटल से निकलकर राजभवन जाने लगे तो प्रतिभा के समर्थक उनकी गाड़ियों के आगे खड़े हो गए। उन्होंने प्रतिभा को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नारेबाजी की। समर्थकों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, वीरभद्र सिंह का नाम रहेगा और हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रतिभा सिंह जैसा हो के नारे लगाए। समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ समय के लिए चौड़ा मैदान में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। CM पद को लेकर प्रतिभा सिंह बोली, वीरभद्र के परिवार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि कई नामों पर चर्चा हो रही है, तमाम समीकरण देखे जा रहे हैं, हमें इसे नवनिर्वाचित विधायकों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए, यह उनका विशेषाधिकार है, जनता ने अपना फैसला लिया है, अब यह विधायकों को तय करना है कि वे अपने नेता के रूप में किसे चाहते हैं। विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वीरभद्र सिंह के नाम, चेहरे और काम पर जीती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नाम, चेहरे और परिवार का उपयोग करें और किसी और को श्रेय दें। हाईकमान ऐसा नहीं करेगा। चुनाव नतीजे सुनते पार्टी प्रत्याशी की हार पर कांग्रेस कार्यकर्ता की हृदयघात से मौत। चुनावी नतीजों में अपने पसंदीदा प्रत्याशी की हार का सदमा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का एक कांग्रेस कार्यकर्ता सहन नहीं कर पाया और उनकी हृदयघात से मौत हो गई। मामला चंबा जिले के पांगी क्षेत्र का है। मृतक का परिवार और सगे संबंधी दोस्त सदमे में हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि व्यक्ति पहले से बीमार चल रहा था। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए नतीजों की रुझान जान रहे थे। मतगणना के 7वें राउंड में जैसे ही भरमौर सीट से पार्टी प्रत्याशी ठाकुर सिंह भरमौरी को हारते हुए सुना, उन्हें छाती में दर्द होने लगा। इससे पहले कि उनके साथ बैठे अन्य लोग या परिजन उन्हें संभाल पाते, हृदयघात से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भरमौरी के वह करीबी मित्र थे।
कांगड़ा के लुठियाल में झुग्गी में जलकर अधेड़ की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर में पुलिस चौकी रे के अधीन पंचायत लुठियाल के एक अधेड़ व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पंचायत लुठियाल के गांव लुठियाल का हरबंस लाल उम्र 58 वर्ष पुत्र उधो राम अपने घर से थोड़ी ही दूर पर खेतों में ही खड़नुमा झुग्गी बनाकर रहता था। इस झुग्गी में वह बीती रात लकड़ियों को जलाकर खाना बनाकर खाने के बाद सो गया। इसके बाद अचानक खड़नुमा झुग्गी को आग लग गई जिसमें उसकी जलकर मौत हो गई। झुग्गी में आग लगी देखकर गांव के लोग वहां पहुंचे लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया है। मुकेश अग्निहोत्री को सीएम बनाए जाने की उठाई मांग, बताया सबसे योग्य चेहरा। कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री की पांचवी बार जीत से गदगद हरोली ब्लॉक कांग्रेस ने जेएनजो मोड़ पर जीत का जश्न मनाया। हरोली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। हरोली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस के दौरान हमारा सीएम कैसा हो, मुकेश अग्निहोत्री जैसा हो के नारे लगाते हुए मुकेश अग्निहोत्री को सीएम बनाने की मांग की। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता के तौर पर भूमिका निभाने वाले मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र से पांचवी बार जीत दर्ज की है और 2003 से लेकर अब तक हर विधानसभा चुनाव में मुकेश अग्निहोत्री की जीत का मार्जिन भी लगातार बढ़ता रहा है। जनता का फैसला मान्य, अब पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली का करेंगे इंतजार। हिमाचल में चुनाव परिणाम के बाद पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला पार्टी को स्वीकार है, पार्टी आने वाले समय में हार पर मंथन करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस को जीत की बधाई दी और कहा कि वह कांग्रेस के पहले कैबिनेट में ओपीएस बहाली के फैसले का इंतजार करेंगे। वहीं लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ कांग्रेस के अन्य वादों के पूरे होने का इंतजार रहेगा। कांग्रेस ने मचा घमासान, बैठक से पहले बोले सुक्खू, मैं सीएम पद का दावेदार नहीं। हिमाचल कांग्रेस में सीएम पद के लिए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राजीव भवन में 6 बजे बुलाए गए विधायक दल की बैठक में देर शाम तक विधायक नहीं पहुंचे। शाम तक सीएम के दावेदार सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 18 विधायकों के साथ नहीं पहुंचे थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद देर शाम को पार्टी कार्यालय पहुंचे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक दल की बैठक से पहले बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही व कार्यकर्ता व विधायक हूं। सीएम पद का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी और जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वही अंतिम होगा। पंजाब से आए किन्नरों ने नैना देवी के किन्नरों पर किया अटैक, एक गंभीर जख्मी। पंजाब से आए किन्नरों ने थाना कोर्ट के तहत आने वाले क्षेत्र झिड़िया में नैना देवी के किन्नरों पर हमला कर दिया। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। इस संबंध में अर्धनारीश्वर सेवा समाज समिति के अध्यक्ष बिजली महंत ने थाना कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद झिड़िया के किन्नर समाज में काफी रोष है और उन्होंने मारपीट करने वाले लोगों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो सके। वहीं इस संबंध में बिजली महंत ने बताया कि पंजाब राज्य के आनंदपुर साहब के किन्नर बिलासपुर जिला में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। फतेहपुर में पेड़ से गिरने पर व्यक्ति की मौत, पत्नी और 2 बच्चे पीछे छूटे। फतेहपुर के बटाहड़ी गाँव का युवक घास काटते समय पेड़ से गिर गया, इस कारण उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बटाहड़ी गांव का श्यामलाल दिहाड़ी मजदूरी करता था, इसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। श्यामलाल स्वयं पशुओं के लिए चारा काटने के लिए घर के पास पेड़ पर चढ़ा, जहां उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो बड़ा भाई बनवारी लाल उसे ढूंढते हुए खेतों की तरफ गया तो देखा वह बेसुध होकर पड़ा हुआ था। वह उसे घर ले आया और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। वहीं संबंध में पंचायत प्रधान नरजीव सिंह ने बताया कि पेड़ से गिरने के बाद श्यामलाल के सिर में अंदरूनी चोट आ गई थी, इस कारण उसकी मौत हो गई। यह पीड़ित परिवार IRDP श्रेणी में आता है। स्थानीय पंचायत और शनिदेव मंदिर कमेटी ने फौरी राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी है और प्रशासन से भी मदद की मांग की है। श्यामलाल अपने पीछे पत्नी आशा देवी उम्र 38 वर्षीय, बेटी प्रीति उम्र 6 वर्षीय और बेटे अनमोल उम्र 4 वर्षीय को छोड़ गए हैं।